हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी है 21 तारीख, बज रहे हैं 11:30 कुछ, 40-45 मिनट्स बाकी है 22 तारीख लगने में। 22 को क्या है, आप सबको तो मालूम है कि भाई भाभी की 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो बस ऐसे ही वेट कर रहा था, 12 बजने वाले हैं, चलते हैं घर पे, विश करते हैं भाई भाभी को उनकी 5वीं सालगिरह। तो चलते हैं, सब लोग आएंगे, प्रतीक भाई अभिषेक वगैरह भी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले रहेंगे। चलिए मैं भी चलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होता हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल रात को जैसा आपने देखा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी उनके घर पे, और आज शाम को सब लोग डिनर पे जाने वाले हैं और वही 7-8 बजे जाएंगे। तो अभी बस बैठ के अपना काम कर रहा था, और एक चीज़ आपसे शेयर करना मैं चाह रहा था कि जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, मतलब मेरी मासी के लिए जिनको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, लेकिन जो उसका खर्चा मतलब बहुत ही आ रहा था, अब अप्रॉक्स कम से कम आ रहा है 50-70 के बीच आएगा। और तो मेरा भाई तो मतलब कहीं ना कहीं से कर ही रहा है, तो अपना घर पर बेच के कर ही रहा है वो, और फिर भी हमको एक हॉस्पिटल ने एक ऑप्शन दिया था कि आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो, तो वो हम लोग ने स्टार्ट किया करना। उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो जिसने भी मतलब डोनेट किया है उनका दिल से थैंक यू, क्योंकि हमने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आप सबका दिल से थैंक यू कि आपने शेयर किया उसको, और जिन लोगों ने डोनेट किया, और भाई भाभी साहब ने भी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने भी शेयर किया था, मतलब उन्होंने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा था। अभिषेक ने भी इसको शेयर किया, और मेरे सारे दोस्तों ने, मतलब ये जो भी मेरे दोस्त हैं वो लोग ने भी शेयर किया मेरे कहने पर, और जिन मतलब जिसने भी हेल्प की उनका दिल से थैंक यू। मतलब आपकी एक छोटी सी हेल्प भी मेरे भाई को बहुत काम आने वाली है। अब मैं तो ये सबको ही कहूँगा कि अब जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन देखते तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए। मैं भी अब से करूँगा, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। बस आपसे यही कहना था, मेरे को दिल से थैंक यू। और अभी इनकी कंडीशन ऐसी है कि अभी लीवर अभी कम से कम वो 10-12 दिन से एडमिट है, उनकी हालत स्टेबल नहीं हो पा रही है ठीक से, और अभी तो धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। वेंटिलेटर पे थी, और फिर उनको वेंटिलेटर से निकाला, और बस अभी डॉक्टर का वेट करें कि हम कब लीवर ट्रांसप्लांट कर पाए, क्योंकि उसको भी 7-8 दिन और जगह ताकि पूरी तरीके से स्टेबल हो, फिर उसी के बाद ही मतलब वो ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर आगे मूव करेंगे। तो बस आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, घर पे आ जाए, अच्छे से ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हो। और मैं फिर से थैंक यू करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी हेल्प की है, आपका दिल से थैंक यू। जिसने भी अभी तक नहीं देखा है या कोई हेल्प करना चाहता है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल तो दूंगा, तो वो लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, मतलब पूरा पेज खुल जाएगा उनपे, उनकी मतलब कंडीशन क्या है, क्या है, कैसा है, और उस पर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। और फिर हम शाम को निकल गए थे डिनर करने प्रीतम ढाबा।
लो ना, इसमें क्या होगा तुम्हारा? मेरा ही था खाली। अभिषेक गुलाब जामुन था। अरे बाद में आना ना, अभी इधर ही है। अरे पैर के पास है तुम्हारे। बिल्ली हटाओ यार। अरे कुछ नहीं करेगा। अरे अरे उसकी पैर की तरफ आना चाहिए ना भाई। तू भगाओ मैं बैठा हूं। कुछ नहीं करेगा ये खुदा दा। आई तो गया बिल्ली को। अगला दिन करा तो हम लोग ढाबा गए थे जैसा आप लोगों ने देखा। और अभी मैं निकला हूँ अपने घर से, अपना बैग लेके कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली। एक्चुअली 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ काम है जो मैंने आपको मेरे लास्ट एक व्लॉग में शायद बोला रहेगा या नहीं बोला रहेगा कि मैं कुछ एक नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक फ्रेंड के साथ। बस उसी काम के लिए मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मतलब मेरे को एक दो फैक्ट्रीज मतलब ये विज़िट करनी है जो ये दिल्ली में ही है। यहाँ पर भी मैंने किया था लेकिन जो चीज़ मेरे को चाहिए तो वो मुंबई और दिल्ली में कॉस्ट डिफरेंस जो है वो बहुत आ रहा है, तो इसके लिए वहाँ जाना भी ज़रूरी है। देखो अगर कुछ नया धंधा खोलो या नया स्टार्टअप करो, हर जगह घूमो, एक जगह पर डिपेंडेंट मत रहो। तो वही अभी जाके 3-4 जगह एक्सप्लोर करनी है, उनसे बात करनी है क्या है कैसा है, बस वही फिगर आउट करना। उसमें 2-3 दिन जाएंगे और एक दिन घूम लूँगा अगर कुछ टाइम मिला तो। बाकी देखते चलते हैं एयरपोर्ट। 4:30 बजे की फ्लाइट है, अभी निकल गया हूँ, बज रहे हैं 2। तो पहुँच गया एयरपोर्ट, बज रहे हैं 3, 4:30 की फ्लाइट है। फटाफट बस लाइन ना मिले, सिक्योरिटी चेक हो जाए, चेक इन कर लूँ जल्दी से, बस लाइन ना मिले। ये पहुंच गया हूँ गेट पे, जल्दी जल्दी कर रहा था। 4:30 की फ्लाइट थी, 5 बजे कर दी, अभी तक एयरक्राफ्ट ही नहीं आया है। फाइनली पहुंच गया दिल्ली। बस आ गया हूँ दिल्ली अच्छे से। और अभी मैं सुबह उठ के जो काम करने आया था, मतलब एक दो जगह तो विज़िट की मैंने, लेकिन एक दो जगह और बाकी मेरे को कुछ मतलब कपड़ों के सैंपल्स चाहिए थे तो वो मैंने फैक्ट्री जाके तो ले लिए। पर अभी और एक दो जगह है, वो भी जाऊंगा परसों। अभी एक्चुअली ऐसा प्लान बनाया है कि शाम को यहाँ से जाऊंगा आगरा और फिर ताजमहल घूमूंगा, फिर कल शाम को वापस आऊँगा, फिर उसके अगले दिन जो एक दो जगह बाकी है वो जाऊँगा, फिर शाम की ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के वापस मुंबई। मतलब दिल्ली में गर्मी भी नहीं है, धूप है लेकिन गर्मी नहीं है, और ठंड भी इतनी नहीं है, मतलब थोड़ी सी ठंड है बस, ज़्यादा नहीं है बस। और क्या दिल्ली का, मतलब आज मैंने सुबह सुबह कचौरी का नाश्ता या मज़ा आ गया, जो चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती है करने, मतलब यही सब। दिल्ली का स्ट्रीट फूड मेरा फेवरेट है, और स्पेशली मतलब मैं यूपी का हूँ तो मतलब सिमिलर ही है, ज़्यादा कुछ ये फ़र्क नहीं, स्ट्रीट फूड सेम ही है। तो अभी देखते हैं, शाम का वक्त है, भूख लग रही है, खाना खाऊंगा, फिर ट्रेन भी पकड़नी है, 8 बजे की ट्रेन है। अभी ये कुछ सैंपल्स मैंने एक दो जगह से सेलेक्ट किए हैं, अभी जाऊंगा इनको ट्राई करूंगा, इनको वॉश करके देखूंगा, 4-5 वॉश करके कैसा है। मतलब एक्चुअली सब जगह से मैं सैंपल्स उठा रहा हूँ और फिर मेरे को पता चल रहेगा कि कौन सा सैंपल बेटर है, और फिर उसके बाद हम गो थ्रू करेंगे आगे। सभी सैंपल देख के आपको तो पता चल ही गया रहेगा कि मैं एक मेरे फ्रेंड के साथ
एक क्लोथिंग ऑनलाइन स्टोर चालू करने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल खाली मैं टी शर्ट से चालू करूँगा और मैं स्वेटशर्ट्स और हुडीज भी करने वाला था, लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, कोई पहनेगा नहीं तो मतलब नहीं अभी वो डाल के, मतलब तो वो विंटर के टाइम में एड ऑन करूँगा। तो अभी फिलहाल खाली मैं टी शर्ट से चालू कर रहा हूँ, तो इसके लिए अब मैं सब जगह मलिक भाई के टी शर्ट्स के सैंपल देख रहा हूँ। मतलब मैंने अब मुंबई से भी सैंपल्स ट्राई किए, अभी मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली में देखूँगा मलिक फैक्ट्रीज में जाके और फिर खुद के मतलब डिज़ाइन बना के मतलब उस पर प्रिंट करवाऊंगा। इसलिए मतलब जो टी शर्ट्स में सेल करूँगा मतलब वो यूनिसेक्स रहेगी, तो उसको लड़कियाँ भी पहन सकती है, उसका लड़के भी पहन सकते हैं। तो बस मतलब इन्हीं सब में लगा हुआ, वेबसाइट बनने को है और बस ये ही है। अभी फिर अभी ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ, फिर अभी ताजमहल जाऊँगा तब मैं एक नया ब्लॉग चालू करूँगा शायद अगर टाइम मिला लो। तो जब तक अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट करिए और बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।